हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको डिजाइन बनाना सिखाऊंगी। इसके 4 की मल्टीप्लाई में फंदे चाहिएंगे और ये स्टार्टिंग से आप अपना बॉर्डर बना लीजिए। उसके फर्स्ट रो से मैं आपको बताती हूँ। तो स्टार्टिंग में हम इसमें 2 सिलाइयाँ उल्टी साइड से भी और बैक साइड से भी उल्टी उल्टी इसमें 2 सिलाइयाँ करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी 2 रो कम्प्लीट कर ली है दोनों साइड से उल्टी उल्टी। अब हमारी डिज़ाइन की 3rd सिलाई है ये हमारा स्टिच। धागा पीछे करके एक फंदा सीधा, धागा आगे करके, ये देखो जो 3 फंदे हैं 1, 2 और 3, ठीक है। इन फंदों के आगे से बिना बुने, इनको बुनना नहीं है, ऐसे ही उतारना है। आगे से ढीला ढीला करके हमें एक फंदा पीछे की तरफ ले जाते हुए एक फंदा हमें सीधे बनाना है। एक फंदा सीधा, इसको ढीला रखना, फिर धागा आगे करके, फिर हम ये 3 फंदे हम ऐसे उतारेंगे, ठीक है। अभी धागा पीछे ले जाते हुए ढीला ढीला और ये फंदा एक फंदा सीधा बनाएंगे। इसका थोड़ा ढीले ही रखना है, फिर धागा आगे लेके जाऊंगी, फिर 1, 2, 3, फिर धागा पीछे ले जाते हुए एक धागा सीधा, एक फंदा सॉरी सीधा बनाना है इसमें। इसी तरह मैं ये रो कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने रो कंप्लीट कर ली है। अब अगली सिलाई हम उल्टी बनाएंगे, जो मैं आपको पूरी उल्टी उल्टी करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमने धागा ये आगे किया था, इस तरह से हमें 2 और बनाने हैं। तो मैं ये सिलाई में हमें धागा छोड़ना है, पिछली सिलाई हमारी उल्टी उल्टी बनेगी, जो मैं आपको पूरी करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे ये 1, 2 और ये 3, इस तरह से जो हमने फर्स्ट रो बनाई थी, सॉरी 3rd रो बनाई थी, उस तरह से मैंने यहाँ पे ये और इसमें 1, 2, 3 टाइम ऐसे किया है और पिछली साइड हमें उल्टी उल्टी बनाई है। अभी हम डिजाइन की अगली सिलाई, ये हमारा स्टिच, ये सीधा, ये फंदा हमारा सीधा ही रहेगा। अभी देखो जो 3 फंदे थे, इनमें से हमें एक फंदा बुनना है, ठीक है। और जो सेंटर वाला है, जो दूसरा फंदा है, उसको देखो, ये अपने एक हाथ में सिलाई ली और देखो ये तीनों है ना, तीनों ये 1, 2, 3 जो हमने छोड़े थे, बुने नहीं थे फंदे, इनको सिलाई में ही लेके, और जो ये था ये हमारा दूसरा फंदा है, इसको बुनते हुए ये देखो सीधा बुनना है। ये हम ऐसे ही नहीं छोड़ के फंदे को, हम इन फंदों के नीचे से लेके आएंगे इसको, इन फंदों को भी साथ में लेके ऐसे ऊपर लेके आएंगे और इस फंदे को हम गिरा देंगे। अभी आगे देखना, ये 1 इसमें ये 3 फंदे सीधे, अभी देखो ध्यान से, ये 1, 2, 3 जो हमने छोड़े थे, ये सभी हमें इकट्ठे लेने हैं। और जो सेकंड जो था हमारा सेकंड फंदा था दूसरा, इसमें जो बीच वाला सेंटर वाला फंदा था, उसके साथ हमें इसको सीधा बुनना है। ये हम ऐसे बुनते हैं, पर इसको ऐसे यहाँ पे ना छोड़ के हम इसको बिल्कुल ये इन फंदों के नीचे से लेके आएंगे। ये हमारे 2 फंदे हैं ना, सॉरी 3 फंदे हैं, 1, 2, 3 जो हमने छोड़े थे, तो हम इसके साथ ही इसको लेके आएंगे और ये फंदा जो हमने बुना है उसको यहीं गिरा देंगे। अब 3 फंदे सीधे, फिर अगला फंदा ऐसे ही करेंगे हम, 1, 2, 3 जो हमने ऊन छोड़ी थी, जो हमने छोड़े थे फंदे, बुने नहीं थे, जो धागा था जो हमारा, उन फंदों को सिलाई में ही लेके, है ना, और इस फंदे को सीधा ही बनाना है।
ये ऐसे ये बन गया। मैं यहाँ नहीं छोड़ के इन इस फंदे की जो हमने बुना था उसको यहाँ पे नहीं छोड़ के इसको हम इन फंदों के नीचे से लेके आते हैं और हम अब इस फंदे को गिरा देंगे। इसी तरह मैं ये पूरी रो कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने रो कंप्लीट कर ली है। अभी हमें बैक साइड से ये पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बनानी है जो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने रो कंप्लीट कर ली है। अब दोबारा से मेरे स्टार्टिंग से ये दो सिलाइयाँ उल्टी उल्टी और फिर ये हमारा डिजाइन स्टार्टिंग से बनेगा। आशा करते हैं कि डिजाइन आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।